तो दोस्तों आइए सीखते हैं एशियन मशीन की एक और पीएलसी के बारे में। ये इसका सेकंड वर्जन है। इसके पहले मैंने आपको थर्ड वर्जन सीडीसी 2000 विन पीएलसी के बारे में बताया था। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो पीएलसी है ये एशियन कंपनी की है। बटन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फंक्शन कीज, ये हर मशीन पे आपको मिलेगी, F1, F2, F3, F4 करके ये फंक्शन कीज़ होती हैं। हम डायरेक्ट उस पेज पे जाना चाहते हैं जहाँ पे मेंशन्ड होता है, तो इस फंक्शन की से हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक एक बटन से। सबसे पहले ये हमारा मेन पेज के लिए होता है, उसके बाद ये मोल्ड क्लैंपिंग के लिए, ये इजेक्टर के लिए, उसके बाद जो ये है इसमें इंजेक्शन, आपकी चार्जिंग, सकबैक, ये सारी चीज़ें होती। ये टेम्परेचर का पेज होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो सिग्नल है ये अलार्म का सिग्नल है, ये अलार्म के पेज के लिए, ये एसपीसी के लिए, और ये कुछ सेटिंग्स करने के लिए। उसके बाद जब मशीन को हैंड पे ऑपरेट करते हैं तो हैंड पे प्रेस करते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो कंप्लीट सर्कल नहीं बढ़ता तो सेमी ऑटोमेटिक, उसके बगल में कंप्लीट सर्कल फुल्ली ऑटोमेटिक। ये सेटिंग मोड पे जाने के लिए, जब मशीन को सेटिंग मोड पे कोई सेटिंग हम करते हैं तो सेटिंग मोड एक्टिवेट कर लेते हैं। ये मोटर ऑन और ऑफ के लिए, जब लाइट ब्लिंक करती तो मोटर ऑन रहता है, लाइट ऑफ हो जाती तो मोटर ऑफ हो जाता है। ये हीटर के लिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बोल्ट एडजस्टमेंट के लिए, और ये कोई भी सेटिंग ऑटोमेटिकली करने के लिए। ये होता अलार्म काटने के लिए। देखिए राइट बटन टिक हुआ है, इसका मतलब कि अलार्म काटने के लिए। उसके अलावा कुछ फंक्शन कीज यहाँ पे अलग अलग जगह पे दी गई हैं। F4 फंक्शन ही होता है इसमें। उसके बाद ये मोल्ड ओपन के लिए, ये मोल्ड क्लोज के लिए। जो फंक्शन चलता है, इस मशीन की खासियत है, वो फंक्शन पे लाइट ब्लिंक हो जाती है। कोर इन और ये कोर आउट, ये कोर इन और कोर आउट के लिए बटने थी। उसके बाद ये इजेक्टर बैकवर्ड और ये इजेक्टर फॉरवर्ड। ये टनेज जब सेट करते हैं हम, टनेज फॉरवर्ड, ये टनेज बैकवर्ड के लिए है। और उसके बाद इसके एरो आप देख सकते हैं, जब फ्रंट मतलब दोनों एरो एक तरफ होते हैं तो इसका मतलब टनेज हम कम कर रहे हैं, जब दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो टनेज ज़्यादा कर रहे हैं। इसके बाद ये एयर ब्लोअर आप देख सकते हैं, ये ब्लो कर रहा है, एयर ब्लोअर इजेक्टर है, और ये सारे ऑटोमेटिक फंक्शन के लिए होते हैं। उसके बाद ये बैरल फॉरवर्ड और बैरल बैकवर्ड के लिए, आप देख सकते हैं हॉपर बना हुआ होता है, जिसमें हॉपर बैरल के साथ बना हुआ होता है, उसका मतलब होता है कि उसके साथ। ये तीनों बटन हमारे इंजेक्शन से रिलेटेड होती, जिस पे ब्लिंक कर रहा है वो इंजेक्शन बटन, ये होता हमारा रोटेशन का एरो है, तो ये होता प्लास्टिसाइज के लिए, और उसके पीछे सक बैक के लिए। अब देख सकते हैं जो फंक्शन इस मशीन पे वर्क करता है वहाँ पे बटन ब्लिंक होने लगती है। उसके बाद ये कुछ कीज़ हैं हमारी सेटिंग करने के लिए, जैसे नंबर्स डालते हैं, ये सेटिंग करते हैं, ये सारी उसकी कीज़ हैं। एरोज़ हैं बगल में अप डाउन करने के लिए, अप डाउन करने के लिए। उसके साथ सेल बटन है, जैसे पॉपअप मेनू हम अपीयर कराते हैं तो हम सेल बटन का यूज़ करते हैं। ये ऑन ऑफ के लिए होता है, और इमरजेंसी बंद करने के लिए भी इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट बंद करनी हो तब भी हम कर लेंगे, और जब मशीन को ऑन करते हैं तब भी हम इस बटन से ही ऑन करते हैं पीएलसी को। ये देखिए अब हम मेन पेज पे चलते हैं। मेन पेज पे आप देख सकते हैं मशीन का ओवरव्यू पेज होता है, इसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड होती। आप देख सकते हैं एशियन मशीन सुपर मास्टर 250 10, डिस्कवर वाइजर 10 चल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती। उसके अलावा यहीं पे जो हमारा टेम्परेचर्स के जोन्स है ये भी देखिए आप मेंशन है, नोज़ल 1 2 3 4 5 जोन्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद मूवमेंट बताता है हमें, उसके नीचे आप देख सकते हैं कि प्लास्टिफिकेशन हो रहा है, कि इंजेक्शन हो रहा है, कि सकबैक हो रहा है, क्या है, ये सारी चीज़ें यहीं पर मेंशन होती मूवमेंट पर। उसके बाद ये हमारा एक्चुअल पोजिशन क्या है, क्या चल रहा है, इजेक्टर का क्या है एक्चुअल पोजिशन, साइकिल टाइम क्या है एग्जैक्टली, और ये सारी चीज़ें ये मशीन के ओवरव्यू पेज पे आ जाती हैं। उसके अलावा हीटिंग, ये टेम्परेचर वगैरह सारे इस पे एक ओवरव्यू मेंशन रहता है मशीन का। उसके साथ साथ इसमें कुछ और पेज अटैच, देखिए आप फाइल बनी हुई है, फाइल के साथ पेज बना हुआ, इसका मतलब F2 बटन हम प्रेस करेंगे। F2 हमने प्रेस किया तो आपका फाइल ओपन हो गई, जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं कि क्या मोल्ड हम चला रहे हैं, उस मोल्ड की सेटिंग हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं, या कोई भी सेटिंग हम यहाँ से सेव कर लेते हैं डायरेक्टली।
उसके बाद ये नेक्स्ट बटन जो हमारी यूज़र लॉगिन की है, आप देख सकते हैं F3 हमने प्रेस किया, ये यूज़र लॉगिन की बटन होती। यूज़र लॉगिन में क्या है कि आप अपने नाम का कुछ ID पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा साइड में बटन्स हैं जैसे अप डाउन कर सकते हैं इसको आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप मैनेज यूज़र्स हैं, मतलब इतने यूज़र्स हमारे सेव हैं। मैनेजर सर्विस TR QR इसको भी हम एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और जो यूज़र हमें चाहिए उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपल फंक्शन होता है जैसे आपका कंप्यूटर या मोबाइल में होता है। ये टच मशीन नहीं है, ये मैनुअली ऑपरेटेड है बटन्स के थ्रू। उसके बाद आप देखिए वॉच बनी हुई है, इसका मतलब टाइम से रिलेटेड है। इस पर हमने क्लिक किया तो हमें डिले टाइम्स आ गया, जैसे कि साइकिल टाइम आउट, साइकिल टाइम कितना चला, 57 सेकंड चला, साइकिल इंटरवल, कूलिंग टाइम, एक्चुअल कूलिंग टाइम क्या है, मोड क्लोज डिले क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस पेज पे मेंशन रहती। उसके आगे बढ़ेंगे आप, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, इस पे देखते हैं। ये देखिए आप, ये भी साइकिल से रिलेटेड ही है। क्लिक किया तो इस पे मालूम चलेगा हमें क्या सीक्वेंस है। पहले साइकिल टाइम हमारा 57 है तो क्या सीक्वेंस पे साइकिल टाइम हमारा रन कर रहा, मोड क्लोज होता है, इंजेक्शन यूनिट फॉरवर्ड आ रही, फिर इंजेक्शन, फिर कूलिंग स्टार्ट होता, उसी टाइम प्लास्टिफिकेशन होता, इंजेक्शन यूनिट फिर पीछे जाती, फिर मोल्ड ओपन होता और इजेक्शन होता। ये क्या क्या टाइम ले रहे हैं ये उन सब चीज़ों से रिलेट करता है। ये हमें बताता है कौन सा साइकिल किस किस सिचुएशन पे किस समय पे चल रहा है, कितना टाइम ले रहा है, ये सारी चीज़ें इससे हमें मालूम चलती हैं। तो ये हमारा मशीन ओवरव्यू का पेज में था। उसके बाद बढ़ते हैं मोल्ड क्लैंपिंग के पेज पे। मोल्ड क्लैंपिंग की बटन को हमने प्रेस किया तो मोल्ड क्लैंपिंग का पेज ओपन हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला पेज है मोल्ड क्लोज का। कई मशीनों में एक ही जगह पे मेंशन होता है मोल्ड क्लोज मोल्ड ओपन का, बट इसमें अलग है, मोल्ड क्लोज का एक सिंगल पेज दिया गया। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर मोल्ड लॉकिंग और मोल्ड पोजिशनिंग, ये सारी चीज़ें इस पर मैंशनड हैं। तो क्या होता है स्पीड जो होती है हम डिफरेंट देते हैं मोल्ड क्लोजिंग के टाइम। सबसे पहले मोल्ड जब क्लोज होता है तो स्पीड ज़्यादा होता है, प्रेशर भी ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम करते जाते हैं, लास्ट में एकदम कम कर देते हैं। इसलिए कम करते हैं वो मोल्ड सेफ्टी के लिए, ताकि जो मोल्ड है हमारा वो डैमेज ना हो। वो अगर स्पीड में होगा, ज़्यादा प्रेशर में होगा बंद होने के टाइम, तो वो वहाँ पे दोनों कोर एंड कैविटी आपस में टकरा के मोल्ड को हमारे डैमेज भी कर सकती हैं। देखिए मोल्ड प्रोटेक्शन सेफ्टी 0.47 सेकंड की हमने दे रखी। उसके बाद नेक्स्ट पेज है हमारा मोल्ड ओपन का। मोल्ड ओपन पे हमने क्लिक किया तो हमारा मोल्ड ओपन का पेज खुल गया। मोल्ड ओपन के पेज में आप देख सकते हैं इसमें भी स्पीड प्रेशर पोजीशन इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। मोल्ड ओपन में आप देखिए सबसे पहले हम 35% में करते हैं, प्रेशर हम ज़्यादा रखते हैं क्योंकि मोल्ड ओपन करना है, हमें खोलना है प्रो पीस के साथ या ऐसे भी, तो हमें प्रेशर को ज़्यादा रखना पड़ता है। फिर पोजीशन बता रहा है कि पहले 120 mm मोल्ड खुला हमारा, फिर 300 खुला, फिर 450 mm खुला। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं मोल्ड अनलॉक करने की, कि मोल्ड जो अनलॉक है वो कब होना चाहिए, आफ्टर डिकम्प्रेशन होना चाहिए कि आफ्टर प्लास्टिफिकेशन के बाद होना चाहिए, ये सारी सेटिंग्स हम उस हिसाब से करते हैं। ये नेक्स्ट पेज हमारा कोर के लिए, F3 हमने प्रेस किया तो कोर का पेज हमारा ओपन हो गया। अभी कोर में हम इस मशीन पे चला नहीं रहे, तो अगर कोर को हम चलाते हैं तो हाइड्रोलिक कोर को हम टिक कर देते हैं। टिक करके अपना जो कोड होता है और उसके बाद टाइम बेस पे चलाना है कि प्रेशर बेस पे चलाना है, ये सारी सेटिंग्स हम यहाँ पे कर लेते हैं कोर पे अपने, कि स्पीड कितनी रखनी, प्रेशर कितना रखना, टाइम कितना रखना, ये सारा डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे हमारे। उसके बाद मोल्ड एडजस्टमेंट का पेज आता है। मोल्ड एडजस्टमेंट के पेज पे क्या होता है, जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने टिक कर रखा 250 टन की हमारी मशीन है। उसके अलावा जो एक्चुअल पोजीशन है 528 है, जब हम सेट कर रहे थे तो हमने 580 पे सेट किया था, थोड़ा सा ज़्यादा था। उसके बाद हम उसको बैक करके अपना पोजीशन को एडजस्ट किया तो हमें पता चला कि जो मोल्ड था हमारा वो 528.700 mm का था। ये हमें मालूम था इसलिए हमने 580 mm यहाँ पे रख दिया था, वरना आप मैनुअली भी इसे इजीली सेटिंग मोड पे कर सकते हैं। टनेज की बटन को प्रेस करके आगे पीछे करके आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। जब शर्त यह है कि टॉगल हमारा बिल्कुल एल शेप में स्ट्रेट होना चाहिए, तब हमारा मोल्ड लॉक हो जाता है।
दोस्तों ये वीडियोस जो होती हैं ये बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती बनाने की, ये हम आपको सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें कर लेते हैं ताकि आपको दिखा सकें और आपको बेहतर सिखा सकें। उसके बाद ये एजेक्टर का पेज है हमारा, एजेक्टर के पेज पे क्लिक किया तो एजेक्टर के पेज में आपका क्या गया, एजेक्टर फॉरवर्ड और एजेक्टर बैकवर्ड। एजेक्टर फॉरवर्ड मतलब एजेक्टर आगे की तरफ, स्पीड हमने रखा पहले में 16:18 ऐसे करके हम पीस के हिसाब से स्पीड रख लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना होता है पहले आप थोड़ा थोड़ा सेटिंग करके चेक कर लीजिए, एकाएक बहुत ज़्यादा स्पीड और बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं, वो पीस के हिसाब से हम सेट करते हैं। बैकवर्ड में भी वही है, सेम स्पीड प्रेशर और पोजीशन कितना पीछे हम उसको ले रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है वो एयर ब्लोअर का है, ब्लो कर रहा है प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं, तो F2 दबा के हम एयर ब्लोअर के पेज पे जाएंगे। एक्चुअली जो वीडियोस बनाते हैं हम इस पे तो स्क्रीन पे बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती क्योंकि स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होता है वो कैमरे या मोबाइल पे मैच नहीं खाता है। तो एयर ब्लोज आप देख सकते हैं, एयर ब्लोज अगर हम इनेबल करेंगे, एयर इजेक्टर कुछ जैसे बाल्टी वगैरह के प्रोडक्ट बनाते हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जहाँ पे एयर ब्लोअर की ज़रूरत पड़ती तो हम एयर ब्लोअर को एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं एक आगे पेज की तरफ जिसका काम है क्या है, ये पेज है रोबोटिक सिस्टम का, रोबोटिक इंटरफेस। अगर आप रोबोट का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस पेज के थ्रू उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये रोबोटिक इंटरफेस है। तो इस मशीन पे हमने रोबोटिक का ऐसा कोई सिस्टम किया नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा इसमें एक एक चीज़ मेंशन रहती है कि रोबोट इनेबल करना है तो उस पर टिक करेंगे, रोबोट को रिलीज मोड या रोबोट रिलीज टाइम आउट, ये सारी चीज़ें हम इन सेटिंग से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है इंजेक्शन, आप देख सकते हैं ये डिफरेंट जो सिंबल्स हैं इन पे, इनको देख के आप समझ सकते हैं। तो पहला सिंबल आप देखिए इसमें दिखा रहा है यूनिट आगे जा रहा है, मतलब इंजेक्शन का पेज। इंजेक्शन में क्या है कि स्पीड प्रेशर पोजीशन, ये हम तीन स्टेप में चला रहे हैं, हम चाहें तो एक भी स्टेप पे एक स्टेप पे भी चला सकते हैं पर तीन मतलब डिफरेंट ज़्यादा स्टेप पे चलाने से थोड़ा सा फ़ायदा होता है प्रोडक्ट बनाने पे, उससे कई डिफेक्ट्स नहीं आते हमारे और मशीन पे लोड भी थोड़ा कम रहता है। होल्डिंग प्रेशर आप ये जान लीजिए इंजेक्शन के पेज में ही होल्डिंग का सारा फंक्शन रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, F2 दबा के हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्विच ओवर आ गया, स्विच ओवर का पेज आ गया। सबसे पहले ऑप्शन है ड्राई साइकिल, ड्राई साइकिल मतलब क्या होता है कि अगर हमें मोल्ड को चलाना है मतलब हमने इंजेक्शन वगैरह सब कर दिया लेकिन उसमें क्या होगा सारा फंक्शन करेगा पूरा साइकिल टाइम आउट चलेगा बट उसमें प्रोडक्ट हमारा नहीं निकलेगा, उसमें जो इंजेक्शन वो ड्राई चलता है मतलब कि मटेरियल का इंजेक्शन वगैरह नहीं होता है। फिर स्विच ओवर सेटिंग है, कितने mm हमें मटेरियल स्विच ओवर के लिए रखना है, क्या कुशन मॉनिटरिंग कर रहा है, कुशन कितना देना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। स्विच ओवर में आप देख सकते हैं 0.5 हमारा कुशन बच रहा था। ये रोटेशन के लिए है, प्लास्टिफिकेशन के लिए है जी, ये जो होता है इसकी रोटेशन का पेज है, इसको ओपन किए। इस पेज में आप देख सकते हैं इसमें मेंशन है रोटेशन स्पीड, एक नंबर पे आप देखिए 88 इसकी रोटेशन स्पीड है, बैक प्रेशर 20, स्पीड 40, प्रेशर, उसके बाद पोजीशन एक नंबर पे ही मटेरियल पोजीशन 160 यहाँ पे हम सेट करेंगे, दो सक बैक है और 161 मतलब प्लास्टिफिकेशन के टाइम हमने दो सक बैक रखा है, प्लास्टिफिकेशन के तुरंत बाद और इंजेक्शन के बाद 161.5 मतलब कि 1.5 हमने उस पे सक बैक दिया, मतलब जितना मटेरियल हम mm सेट करते हैं उससे ज़्यादा हम रखते हैं तो वो सक बैक हमारा उस पे काम करता है। जैसे 160 mm मटेरियल हमने रखा था और हमने 161.5 सक बैक दिया, इसका मतलब 1.5 mm हमारा सक बैक है। ये हमारे कुछ सेटिंग मोड पे हैं प्लास्टिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है, ये पर्जिंग का पेज है, पर्ज करने का में क्या क्या हम चीज़ें रख रहे हैं, जैसे इंजेक्शन की क्या स्पीड होगी, डिकम्प्रेशन, प्लास्टिफिकेशन, इन सारी सेटिंग्स को हम करते हैं। ये हमारा बेसिकली पर्जिंग करने के लिए होता है, जब हम मैनुअली पर्जिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें उस पर रहती हैं। आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर पे, देखिए डिग्री सेल्सियस मेंशन है इस पे, तो ये डिफरेंट जोन्स के टेम्परेचर हैं
मटेरियल के हिसाब से हम टेम्परेचर रखते हैं। जोन से हमारे नोज़ल, सबसे पहले आगे नोज़ल होता है, फिर साइकिल वन मतलब सिलेंडर वन है ये CYL, सिलेंडर वन, सिलेंडर टू, सिलेंडर थ्री, ये मतलब डिफरेंट जोन्स बता रहे हैं, जोन वन, जोन टू, जोन थ्री, जोन फोर, जोन फाइव। सबसे ज़्यादा नोज़ल का टेम्परेचर होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे टेम्परेचर्स को कम करते हैं। लास्ट जोन पे सबसे कम टेम्परेचर था, ये हमारा पॉजिटिव टॉलरेंस नेगेटिव टॉलरेंस है। टॉलरेंस मतलब कि इस पॉजिटिव में 40-40 टॉलरेंस है और 235 टेम्परेचर है, मतलब कि ये 40 ऊपर तक टेम्परेचर जाएगा तब तक मशीन हमारी चलेगी, वरना अलार्म आ जाएगा। और 30 नेगेटिव टॉलरेंस है, मतलब 30 नीचे तक आएगी, जैसे 235 है तो 205 तक ये चलेगी, उसके नीचे से अलार्म आना स्टार्ट हो जाएगा, मशीन रुक जाएगी हमारी। उसके बाद ये कुछ ग्राफ्स हैं उसके, जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारा टेम्परेचर ग्राफ है, तो इसमें मालूम चलता है हमें कितना टेम्परेचर हमारा चल रहा है। जैसे 235 चल रहा तो आप देख सकते हैं 245 के नीचे थोड़ा सा 235 पे है, और जो मिनिमम है वो 190 के लगभग है, तो 185 या 190 पे वो वहाँ पे ग्राफ पे मेंशन है। ये डिफरेंट कलर्स हैं एक्चुअल टेम्परेचर के, नोजल जोन का क्या कलर है, सिलेंडर जोन वन का क्या कलर है, ये सारे कलर इस पर मेंशन है। एक तरीके से कोडिंग है। उसके बाद ये टेम्परेचर कैलेंडर है, इसमें हम सेट कर सकते हैं कि किस तारीख को क्या टेम्परेचर हमने रखा था, और या तो हमें किस पहले से, अगर हम प्री प्लान्ड हैं तो हम उस डेट के हिसाब से टेम्परेचर को अपने सेट कर देंगे, तो उस तरीके से हीटिंग हमारी ऑन होगी उसी टेम्परेचर पे, उस दिन हम टाइम वगैरह सब इस पर सेट कर दें। जैसे मंडे को हमें 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो मंडे को हमने क्लिक कर दिया तो 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा उस पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेल बटन से हमने जैसे बताया आपको पॉपअप मेनू होता है, जैसे आप देखिए एरो से हम नथिंग पे चलते हैं, उसके बाद हम सेल बटन को प्रेस करेंगे। सेल बटन को हमने प्रेस किया तो हमारे जो इस पे इस पॉपअप बॉक्स पे जो मेनू होंगे वो सारे मेंशन हो जाएंगे, उसको हम अप डाउन करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अप डाउन करने में भी हम सेल बटन का ही यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ओके करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसको हम सेटिंग पे ला सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले पेज पे, अलार्म का पेज है, आप देख सकते हैं मैंने जैसे आपको पहले बताया था क्लिक किया हमने, अलार्म का पेज ओपन हो गया। अलार्म के पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे अलार्म सारा मेंशन होगा, नोटबुक टाइप का बना हुआ है, इस पर हमने क्लिक किया तो सारा अलार्म हमारा आ गया कि क्या क्या अलार्म थे, सेफ्टी गेट नॉट फुल्ली क्लोज, साइकिल स्टॉप बाय ओपन गेट, साइकिल स्टॉप बाय ओपन गेट, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आई वो सारी यहाँ पे मेंशन हो गई। उसके बाद हम चलते हैं SP, ये ट्रेस सेटअप है हमारा, ट्रेस सेटिंग यहाँ पे हम देते हैं, ट्रेस मूवमेंट, ट्रेस टाइप, ट्रेस डिले, ये सारी चीज़ें उसके पे देते हैं। उसके बाद आ जाता है SPC, स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड होता है ये SPC सेटअप, यहाँ पे हम सारी सेटिंग्स करते हैं। अभी इस पर कुछ हमने किया नहीं, ज़्यादातर सब मशीनों पे खाली ही रहता, कोई हम सेटिंग इस पर करते नहीं। अब चलते हैं सेटिंग पे, देखते हैं क्या चीज़ें। सेटिंग पे क्लिक किया तो हमारा जो पैनल की सेटिंग है वो सारी चीज़ें आ गई पैनल सेटिंग, जैसे लैंग्वेज हमारी इंग्लिश चल रही, लैंग्वेज हमें कोई और बदलनी है जितनी PLC में होंगी तो यहाँ से हम लैंग्वेज भी बदल सकते हैं। फिर बैकलाइट टाइमिंग है हमारी, जो स्क्रीन की टाइमिंग है वो कितने सेकंड की है, उसके बाद ये बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होता है इतनी देर में ये बंद होती, फिर हमें बटन दबानी पड़ती चालू करने, जैसे मोबाइल की लाइट होती 10 सेकंड 15 सेकंड में वो बंद हो जाती, वैसे ही सेम फंक्शन इसका। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ कैलिब्रेशन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर हमने क्लिक किया तो कैलिब्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। कैलिब्रेशन अभी मशीन हमारी रनिंग कंडीशन पे, इसलिए एक्टिवेट नहीं कर सकते। कैलिब्रेशन में क्या होता है, कोई भी सेटिंग जैसे ज़्यादा हो गई या कम हो गई जिससे हमारी मशीन को प्रॉब्लम करे तो हम कैलिब्रेट कर लेते हैं उसे यहीं से, पंप का सिस्टम है जैसे या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहाँ से कैलिब्रेशन हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।